पढ़ाई के लिए माता पिता के डर से नाबालिग बच्चे ने रची अपने ही अपहरण की झूठी कहानी। पुलिस ने मामले में चंद घंटों में खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले किया है। कोतवाली थाना पुलिस को नवी क्लास में पढ़ने वाले 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 घंटे में ही बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया, जहां परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पूछताछ में बालक ने बताया कि वह पढ़ाई के डर से घर छोड़कर चला गया था। माता पिता के डांट से बचने के लिए उसने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। हालांकि बच्चे की काउंसलिंग के बाद पुलिस ने सकुशल बच्चे को माता पिता के हवाले कर दिया है। ये अभी शाम को हमको एक बालक की गुमशुदगी का पता चला था, जो कि 14 साल का है और पार्टी का रहने वाला था। यहाँ पर खेल परिसर में हॉस्टल है, वहाँ पर रहकर शासकीय स्कूल क्रमांक 2 में पढ़ाई करता है 9वीं कक्षा में। और ये कुछ बिना बताए वहाँ से स्कूल से आज दोपहर में चला गया था, तो उसके माता पिता द्वारा यहाँ पर सूचना दी गई थी और हमने बालक को ढूंढकर उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। क्या कारण रहा था मैडम उसका बाहर? वो कुछ डर के कारण वो वहाँ से वहाँ स्कूल से चला गया था और अभी उसको हम बातचीत कर रहे हैं।